हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल फूड किचन। में आज मैं आपके साथ कसूरी मेथी के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी पराठे बनेंगे। आप जो हमें सबसे चाहे पहले जो चीज़ें चाहिए इंग्रेडिएंट्स वो देख लेते हैं। ये हमारे पास फ्लावर है, आटा है 250 ग्राम, ये कसूरी मेथी हमारे पास है 5 टीस्पून, इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से। और ये हमारे पास सॉल्ट है 1/2 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली 1 चॉप की इसी तरह से। अनियन हमारे पास 1 मीडियम साइज की, इसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टीस्पून, ये 1/2 टीस्पून गरम मसाला, ब्लैक सॉल्ट 1/2 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑयल हमारे पास है 50 ml। अब मैंने योगर्ट लिया था, इसको मैं वाटर ऐड करके इस तरह से मैंने पतला कर लिया। इसमें मैं आटे का डो तैयार करूंगी। योगर्ट हमारा 2 टीस्पून है। अब मैं आटा गूंदूंगी किस तरह से इसमें आटे का डो पराठों का रेडी किया जाएगा। सबसे पहले हमने फ्लावर ऐड किया है, मैं कसूरी मेथी, आप चाहें तो फ्रेश मेथी भी ले सकते हैं। ये मैं कस्तूरी मेथी पराठा बना रही हूँ। ये मैंने टर्मेरिक पाउडर, ग्रीन चिली ऐड किया है, अनियन, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये मैंने बाकी के पिसे मसाले इसमें ऐड किए हैं। अब मैं इसमें दही के पानी से इसमें आटा मैं गूंदूंगी, इसका पराठों का डो बनाऊंगी। इस तरह पहले सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स करिएगा। ये मैं पानी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी, पानी एक साथ ऐड नहीं करना है। इससे हमारा आटा सॉफ्ट हो चुका है, जिससे हमें पराठे बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होएगी, परेशानी होएगी। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से आटे का डो बना लें, आटा गूँध लें इस तरह से। ये हमारा कार्ड है, इसको आप होल्ड करके नोट डाउन कर लीजिए। ये मेरा आटा गूंद चुका है, अच्छे से डो तैयार हो गया। मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए आटा, और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप इसका रोलिंग करने का बताऊंगी। ये अच्छे से रेडी हो चुका है, मैं इसको 10 मिनट के लिए रखूँगी, 20 मिनट के लिए। ये हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है, अब मैं इसको रोल करूँगी। सबसे पहले मैं इसके पेड़े बनाऊँगी ये इस तरह से। ये हमारे पास ऑयल है, मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ये पराठा मैं लेयर वाइज बना रही हूँ, इससे क्या होता है पराठा बहुत ज़्यादा हमारा खस्ता होगा। मैं इसमें इस तरह से, ये ऑयल है मेरा, ये ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी इस तरह से। ये मैं इसको फोल्ड कर दूँगी ऑयल ऐड करके, इसको फोल्ड कर लें। सारे पराठे इसी तरह से बनेंगे, यही प्रोसेस। ये अगर आपका चिपक रहा उसमें रोल में तो ये खुश्की, थोड़ी इसमें आटा लगा लें इस तरह से, इसको रोल कर लें बड़ा। सारे पराठों को मैं इसी तरह से बना लूँगी, ये मैंने बना लिए, इसी प्रोसेस से मैं सारे पराठे कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको इस नेक्स्ट स्टेप इसका बताऊँगी। ये रोल हो चुके हैं हमारे सारे पराठे, अब मैं इसको फ्राई करने का तरीका बताऊँगी। ये मैंने गैस ऑन किया है और एक पैन रखा है, पैन को मैं अब इसमें मैं पराठा ऐड करूँगी। मैंने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया, पहले पराठा ऐड किया और इसको दोनों साइड में सेक लूँगी, जैसे कि हम चपाती को सेकते हैं। अगर हम ऑयल पहले ऐड कर देते तो पराठा बनने में बहुत टाइम लगता और पराठा बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल भी लगता। तो पहले मैं पराठा दोनों साइड अच्छे से सेकूँगी। ये हमारा एक साइड सेक गया है, मैं दूसरी साइड इसी तरह, अब मैं इसमें दूसरी साइड भी मुझे सेक लेना है ये इस तरह से। अब मैं इसमें एक स्पून की हेल्प से इस तरह से ऑयल ऐड करूँगी, ग्रीस कर लेना है इस तरह से ऑयल दोनों साइड। अब इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी टर्न करके ऑयल
ऐड करूंगी। मैंने 2 टीस्पून इसमें ऑयल ऐड किया है, ज़्यादा नहीं। अब इस तरह से ये देखिए कितना अच्छे से सिक गया है। अब मैं दूसरी साइड भी इसी तरह सेक लूँगी। कसूरी मेथी के पराठे ही हमारे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही कसूरी मेथी की। ये सिक गया, अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसी प्रोसेस से सारे पराठे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए पैन में मैंने दोबारा भी ऑयल ऐड नहीं किया है। मैं इसी प्रोसेस से दोबारा पराठा दूसरा सेकूंगी दोनों साइड, और फिर ऑयल ऐड करूंगी। इसी तरह मैं सारे पराठे अपने वन बाय वन। ये हमारे पराठे फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो ज़रूर बताइए। ये मैंने गार्निश किया है इसको। ये मैं सर्व कर रही हूँ दही, ग्रीन चिली एंड अचार के साथ। आप अपनी फेवरेट चटनी या टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो। अल्लाह हाफिज़।